दोस्तों, आपने एक नाम तो जरूर सुना होगा, महसूस किया होगा और बहुत बार गर्व भी किया होगा। वो नाम है भारत। ये एक देश नहीं, दुनिया का वो कोना है जहां लगभग 138 करोड़ लोग हर दिन किसी न किसी बात पर इससे नाराज होते हैं, खुश होते हैं, कुछ इस पर गुस्सा करते हैं, कुछ धिक्कारते भी हैं, तो कुछ इसके जैसा है वैसा होने पर तंज कसते रहते हैं। मगर रात के ढलने से पहले वो सब ही इसको बढ़ता हुआ और तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। हर किसी के मन में ये एक सवाल होता है कि कब बनेगा भारत एक डेवलप्ड कंट्री, कब होगी हमारे भारत में वो सारी व्यवस्थाएं जो अमेरिका, रशिया, यूके और चाइना जैसे देशों में पाई जाती हैं। तो अगले 8 मिनट में हम आपके सारे शक दूर करके आपको बताएंगे कि कब बनेगा भारत एक डेवलप्ड कंट्री। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्या होता है डेवलप्ड कंट्री का मतलब। जैसा कि आपने हॉलीवुड की फिल्म्स और सीरीज में देखा होगा कि कैसे अमेरिका का एक आम नागरिक भी आलिशान घर में रहता है, उसके घर के बाहर एक बड़ा सा घास का लॉन होता है और कहीं कहीं तो स्विमिंग पूल भी घर के अंदर ही दिख जाता है। घर के हर सदस्य के लिए गाड़ी होती है और इसके बाद भी वो लोग वहां के हिसाब से अमीर की श्रेणी में नहीं आते, जो कि अगर भारत की नजर से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा स्तर माना जाएगा। खैर, ये तो हो गई दिखावे की बात, पर अब इकोनॉमिक्स की भाषा में भी जान लेते हैं। तो एक डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में इकोनॉमिक्स कहता है कि एक विकसित देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ऊंची होती है। इसके साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से देश जगमगा रहा होता है। इसके अलावा GDP को भी इसका मापदंड माना जा सकता है। मगर साथ ही अगर किसी देश की GDP कम है और उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो भी वो डेवलप्ड देश माना जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत और UK की GDP लगभग बराबर ही है, मगर इन दोनों देशों की पर कैपिटा इनकम में जमीन आसमान का अंतर है, जहां भारत में एक व्यक्ति के खरीदने की क्षमता $6,390 है, वहीं UK में ये फिगर $47,620 है, क्योंकि भारत से लगभग 8 गुना ज्यादा हो जाती है। इसीलिए भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और UK एक डेवलप्ड कंट्री। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं, जैसे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन, बूम ऑफ सर्विस सेक्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ये बताता है कि किसी एक देश में एक व्यक्ति की जीवन शैली किस तरह से और किस हद तक आगे बढ़ी है, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ा मापदंड है। वैसे आपको बता दें कि भारत देश में दुनिया में सबसे ज्यादा वयस्क हैं, यानी कि वो लोग जो कि 30 की उम्र से नीचे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश यंगेस्ट वर्कफोर्स वाला देश है, बावजूद इसके यहाँ तरक्की की रफ्तार धीमी है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जो यहाँ के लोगों को सिर्फ पढ़ाना जानता है और कुशल बनाना नहीं जानता। भारत की एजुकेशन दुनिया में काफी पिछड़ी हुई है, जिसके कारण इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं, जहाँ हमारे देश में 80% साक्षरता दर है, वहीं बेरोजगारी भी भारत में अपने चंगुल फैलाए हुए है। अक्टूबर 2020 के एक सर्वे के अनुसार इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% से भी ज्यादा है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि इतनी साक्षरता दर होने के बावजूद यहाँ इतनी बेरोजगारी कैसे है। वजह है यहाँ लोगों का नंबर्स और डिग्रीज के पीछे भागने वाला जुनून। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ डिग्री दिलवाने में सक्षम है, मगर नौकरी के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं उसकी बात तो दूर दूर तक नहीं होती। हैरानी की बात तो एक सर्वे के बाद सामने आई, जब एजुकेशन सिस्टम की रेटिंग्स में 64 देशों में से इंडिया 59वें नंबर पर आया। उस सर्वे में बताया गया कि इंडिया की पढ़ाई नीति और यहाँ की डिग्री रिवाज इस देश को ब्लैक होल में धकेल रहा है। आपको बता दें, जहाँ हमारे देश के बच्चे IIT कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए दिन रात पढ़ाई करके दुनिया से ही अलग हो जाते हैं, उस IIT को दुनिया की 300 टॉप यूनिवर्सिटीज में भी जगह नहीं मिली थी। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर पढ़ाई का मतलब सिर्फ रटना और एग्जाम्स में 3 घंटे उसको एक कागज पर लिख देना है। प्रैक्टिकल नॉलेज और एंटरप्रेन्योरशिप की बात तो दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि देश का यही एजुकेशन सिस्टम एक बड़ी वजह है जिसके कारण आज तक हम एक विकासशील देश बने हुए हैं। जबकि अगर बात चीन की करें तो 80 के दशक में उसकी हालत बहुत दयनीय थी, और आज दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको चाइना बना नहीं रहा है। इसके अलावा जापान भी 2 एटॉमिक बॉम्ब्स के प्रहार झेलकर आगे बढ़कर डेवलप्ड देश बन चुका है, मगर हम आज भी पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री को रटने में लगे हुए हैं। दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने जो 12वीं क्लास तक पढ़ा था
कभी आपके निजी जिंदगी में काम आया? अब भी अगर आप इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की समस्या को कम आंक रहे हैं, तो आइए आपको कुछ फैक्ट से मिलवाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर कब तक हम ए फॉर एप्पल करते रहेंगे जबकि दुनिया जी से भी आगे पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, भारत की हाई लेवल की डिग्री लेकर भी 50% से ज्यादा भारतीय 10,000 रुपए महीने से भी कम की नौकरी करने में मजबूर है। और यहीं आपको बता दें कि यूएसए में मिनिमम वेज रेट यानी न्यूनतम श्रमिक आय $7.25 प्रति घंटा है। मतलब अगर 8 घंटे भी दिन में काम किया तो 4,000 रुपए से भी ज्यादा बैठती है। और ये आय तो उस वर्ग की है जिसके पास डिग्री का नामो निशान नहीं होता। वह इंडिया में पढ़े लिखे लोग 10,000 रुपए महीने लेकर 10-10 घंटे काम करने के लिए मजबूर हैं। इस इतने बड़े अंतर का एक ही कारण है, वो है इंडियंस में स्किल्स की वैल्यू ना होना। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा इंटर्नशिप का चलन है, क्योंकि यहाँ किसी को भी अपने कॉलेज और स्कूल से प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती और उसके चलते स्टूडेंट्स को कम से कम 1 साल और जॉब से पहले इंटर्न बन के गुजारना पड़ता है। अब इंटर्न्स के साथ हो रहे उत्पीड़न के बारे में तो हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ अनस्किल्ड लेबर ही देता है। इंडियंस दुनिया की टॉप कंपनीज में टॉप मोस्ट हायरार्की में आते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला, सिस्को में पद्मश्री वॉरियर, गूगल में सुंदर पिचाई जैसे नाम शामिल हैं। मगर इससे अगर हम खुश होते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये जो बेशुमार टैलेंट है वो हमारे देश की जगह दूसरे देश की GDP बढ़ा रहा है। खैर, हालत थोड़ी खराब जरूर है, लेकिन ऐसी नहीं है जिससे सुधारा ना जा सके। आज जिस हिसाब से इंडिया अपने पैर पसार रहा है, उससे लगता है कि इंडिया जल्दी बाकी देशों के बराबर अपनी जगह बना लेगा। लेकिन इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे और उसकी शुरुआत हमें अपने एजुकेशन सिस्टम से करनी होगी। क्योंकि अगर एक एवरेज एजुकेशन सिस्टम के साथ इंडिया दुनिया में 6th highest GDP बन सकता है, तो सिर्फ नींव बदलने से हमारी इमारत पूरी नई और मजबूत हो जाएगी। साथ ही भारत में नौकरियों की कमी से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न करने की जरूरत है, और हर स्टूडेंट को स्किल्ड बनने की जरूरत है, ताकि इंडिया में भी एक कारपेंटर के काम को भी छोटा ना समझकर एक प्रोफेशनल जॉब के रूप में देखा जाए। इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं जिन पर बहुत गंभीर रूप से ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि भ्रष्टाचार। हम सभी जानते हैं कि भारत के कोने कोने में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कोई भी काम करवाने के लिए रिश्वतखोरी की मार झेलनी पड़ती है। ऐसे में समस्या को जड़ से खत्म करने की जरूरत है और इसके लिए कानूनों को सख्त करने की जरूरत है। इसके अलावा देश को साफ सुथरा बनाए रखने के प्रति जागरूकता भी बहुत जरूरी है। भारत में हर कोई कहीं भी थूक सकता है और कहीं भी पेशाब कर सकता है। हर इलाके में कूड़े का ढेर देखा जा सकता है। आप आसानी से कचरे के खाली डिब्बे के पास कूड़ा फैला हुआ देख सकते हैं। ऐसे में जरूरत है हर नागरिक को जिम्मेदार बनने की। साथ ही भारत में ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो कभी सख्ती से लागू किया गया हो, इसलिए लोग बड़े निश्चिंत होकर अपनी मनमानी करते हैं। कानून बनाने वालों को उसके पालन होने और उससे सख्ती से लागू करने के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही एक बड़ा बदलाव धर्म और जाति की मानसिकता को लेकर भी होना चाहिए। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने सही कहा है कि किसी भी व्यक्ति, धर्म या कट्टरपंथ से ज्यादा जरूरी देश है। भारत तभी विकास करेगा जब उसके लोग विकास करेंगे और सबको समान समझा जाएगा। यार, फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि जैसा भी है, मेरा देश है सबसे प्यारा। और सर्वेस की माने तो इंडिया भी 2050 तक एक डेवलप्ड देश और वर्ल्ड सुपर पावर के रूप में सामने आ सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है हमें देश में किस तरफ कार्य करना चाहिए कि हमारा देश जातिवाद और धर्म की लड़ाई को छोड़कर देश के हित की लड़ाई में जुट जाए? हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।